शिमला में सब बढ़िया है, मौसम अच्छा है, स्काई भी बहुत अच्छा है। एक प्रॉब्लम है मंकीज़ का, इन बंदरों ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। टूरिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, आप आते जाते गुजरोगे, आइसक्रीम खाओगे तो आपको देनी ही पड़ेगी इन भाई साहब को। अभी इसलिए बैठे हैं कि कोई तो आएगा शिकार। तो पूरे मॉल रोड में अब तो बच के चलना है। सो ये बहुत ही फेमस है, शिमला का फर्स्ट इन्फेक्शनरी जो था सिटी पॉइंट, यहाँ पे जो है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अंदर मिल सकते केक वगैरह कुछ खाना चाहे तो, इसलिए उसका नाम रखा था फर्स्ट वन। सिटी पॉइंट के बगल में ही आ गई आपकी वाइन शॉप, अगर आपका मन हो तो। बेस्ट इज हिमाचल एम्पोरियम, ऑथेंटिक हिमाचल अपैरल यहाँ मिलते हैं। वेरी गुड स्टफ। या यू गेट सम ऑथेंटिक स्टफ इफ यू वांट टू शॉप समथिंग फॉर योर फैमिली, सो डेफिनेटली यू कैन कम एंड स्टॉप हियर एंड बाय समथिंग ऑफ द हिमाचली अपैरल। इसके अपोजिट ही है यहाँ पे एक शेड जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आगे एक और बंदर भाई साहब जिनको देखो, आपका एक्शन में कुछ मिलेगा, कुछ बांटेगा कुछ तो, आइसक्रीम नहीं बट रेजिस्टेंस बहुत मिला है। ये है यहाँ का इंडियन कॉफी हाउस, बहुत फेमस है और बहुत ऑथेंटिक कॉफी मिलती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पॉट यंग एंड ओल्ड लाइक मुझे फुल रहता है, तो जगह नहीं मिलती बैठने की यहाँ। तो आ गए हैं फाइनली स्कैंडल पॉइंट, ये है यहाँ का फेमस स्कैंडल पॉइंट। और वो है लाला लाजपत राय जी का स्टैचू सामने। तो ये हम अगर जाएंगे, सामने हमें एक चर्च दिख रहा है येलो रंग का, वो रिज है। नीचे जाएंगे तो हमारे को मॉल रोड है, वो उधर को जाएंगे नीचे, ओल्ड टिफिन मार्केट होता था, वो रेनोवेट करने के लिए शिफ्ट कर दिया है। और इधर का आपका एजी ऑफिस और कालीबाड़ी टेम्पल का रास्ता जा सकता है। और हम नीचे कालीबाड़ी के लोअर पॉइंट से हम आए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट ऑफ द अर्बन शिमला स्कैंडल पॉइंट। लोकल्स को जब भी मिलना होता है वो यही बोलते हैं स्कैंडल पॉइंट पे मिलते हैं। दिस इज द फेमस टाउन हॉल, सारे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट काम इसी जगह पे होते हैं। जॉइनिंग टाउन हॉल फेमस सारे कल्चरल प्रोग्राम्स यही होते हैं, स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स और टूरिस्ट सीजन में स्पेशल परफॉर्मेंसेस भी यही होती हैं। शिमला गेटी थिएटर ने यहाँ पे कुछ लगाई एग्जीबिशन, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बना रखी है, वेरी नाइस। मनीषा लालटेन फॉर 8,000, सो दिस कैन बी परचेस्ड इफ यू वांट। लुक एट दिस हिमाचली टोपी पेंटिंग, वाह रुचिका रोच ब्यूटिफुल, 15,000 इज प्राइस इफ यू वांट टू बाय इट। अनदर इज बाय प्रतीक, टाइटल वाइब्रेशंस टू द वन हेयर डॉक्टर भदेर सिंह ध्वनि। लॉट्स मैनी पेंटिंग्स या शॉल्स की पेंटिंग रुचि नगर ने बनाई है। यहाँ से ऊपर जाते हैं त्रिशूल सीढ़ियों से ऊपर, बहुत पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकर्स जो है यहाँ का है, अच्छा खाने पीने को मिलता है। यहाँ का म्यूजिक सीन भी बहुत तगड़ा है,
बहुत यंग आर्टिस्ट बैंड में बैंड बनाते हैं और प्ले करते हैं फेस्टिवल्स में। ये देखिए एक और म्यूरल जो बनाई है। अब हम जा रहे हैं नीचे मिडल बाज़ार। मिडल बाज़ार में हम जाएंगे टू हैव सम मोमो, और मोमो के लिए बहुत फेमस है दो तीन जॉइंट्स बहुत फेमस है। अब तो बहुत ओपन अप हो गए हैं। ये देखिए चाइना टाउन, यहाँ पे बहुत सारे जो लोकल स्नैक्स होते हैं। नीचे हम जो जाएंगे एक है महक और एक है आंटीज़ का जॉइंट, दे आर रियली फेमस। अभी हम कहाँ जाएंगे? आंटीज़ जाएंगे, महक। अभी हम जाएंगे महक। तो ये हमें बिहार, बट महक में भी डिपेंड्स, वेटिंग बहुत होती है। देखिए मिडल बाज़ार में कितना जॉइंट्स हैं खाने के, नए नए बहुत खुल गए। तो हम आएंगे महक में। ये ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है अगेन, और क्वाइट फेमस। आंटीज एग्जॉटिक चाइनीज एंड महक चाइनीज, ये है आंटीज। और ये है महक। बताइए जगह क्या है? ये जगह हम कितने सालों से आ रहे हैं, 2006 से हम यहीं से आ रहे हैं। यहीं पे हम उसको खाते हैं, थुप्पा खाते हैं, और हर साल जब शिमला आए तो मिस दिस फूड, सो इट इज बेस्ट फॉर मटन मोमोज एंड थुप्पा। आ गए हमारे मोमोज, लीजिए लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मोमोज को आप थुप्पा में डाल सकते हैं, तो देखते हैं इसमें डाल के कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो दिस वाज द बेस्ट एवर मटन मोमो इन शिमला टाउन। आपको महक के मोमोज खाने हैं, आपको पूछना पड़ेगा किसी लोकलाइट से कि महक है ना। जनरली टूरिस्ट को नहीं पता इस स्पॉट का इतना, सो व्हेन यू कम टू शिमला डू ट्राई मटन मोमोज ऑफ महक। क्या टाउन हॉल से नीचे सीढ़ियाँ उतरनी है? नमस्ते भी नहीं है चलना, वहाँ पड़ता नहीं आशिक में। सो रेडी एंड फिट टू एंजॉय। आई एम सो फुल। चलो पहुँच गए हम वंस अगेन बैक ऑन मॉल रोड। सबसे पहले आप दिखाओ एंजॉयिंग द आइसक्रीम्स। कैंडल पॉइंट है ना अभी, और जाएंगे रिच। और आपको एक चीज बता देता हूँ, तीन दोस्त आपके जो हमेशा मिलेंगे आपको, तीनों आइसक्रीम खा रहे हैं बढ़िया, कितना मजा इनका। और भी कोई आएगा आइसक्रीम लेके तो और बन जाएगा मामला। हम चल पड़े देख। देखो देखो something happened behind my back, मक्की बहुत लगता है, देख लिया होगा I'm sure। ये क्या हो रहा है सारा का बताइएगा, सब पीछे बंदर बंदर आया था। अच्छा रिच की हालत ये है कि रिच में है एक फेमस रिच का चर्च, इट्स क्वाइट गुड, क्राइस्ट चर्च बोलते हैं, येलो रंग की और रिच से यहीं से दिखता है हनुमान जी की मूर्ति, एक हनुमान मंदिर है।
ये भी एक हाइट पे है, काफी कुछ एक ओपन स्पेस है यहाँ पे। कार्स अलाउड नहीं है, प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं है। गुड थिंग यू कैन वॉक अराउंड, एवरीबॉडी वॉक्स अराउंड, हैज अ गुड टाइम। टेम्परेचर अभी फ्रीजिंग है, क्या टेम्परेचर है? 82 डिग्री, 5 तो होगा, और 5 डिग्री मोस्टली रात में माइनस में चल जाता है। अभी 26 दिसंबर है, क्राउडेड है, स्नोफॉल शिमला स्नोफॉल कोट ढूंढने बहुत लोग आते हैं। सो ये है फेमस रिज, ये है हमारा येलो क्राइस्ट चर्च, और इस रिज पे काफ़ी कुछ होता है, कभी समर फेस्टिवल होता है, कभी विंटर फेस्टिवल होता है, शूटिंग होती है बहुत सी मूवीज़ की, और इवन आपको शायद याद होगा 3 इडियट्स की भी शूटिंग हुई थी वो ऊपर जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ से, जब वो बोला था मैं अपना हैंडमेड बिस्किट लाया हूँ कहीं से। अच्छा यहाँ पे एक ये भी लगा है, हिम इरा फूड फेस्टिवल। घोड़ों के नीचे आने से बचें, घोड़ों का भी ट्रैफिक है। ये है इरा फूड कार्निवल, हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का स्पेशलिटी फूड है यहाँ पे। लेट अस सी, तो देखो बढ़िया खाना पीना चल रहा है यहाँ, क्या मिल रहा है? सोलन का स्पेशल खास तो आई डोंट थिंक कुछ होता है। क्या मिल रहा है? पापड़ा चिल्टा कोय दीश चटनी नमकीन चाय चुल पंटिंग तुलसी खीर, ये कुछ काफ़ी ऑथेंटिक इंडिजनस फूड है। तो ये क्या चीज़ है मैम? सर पोयाशीत बोलते हैं, ये ओगले से बनता है। पोयाशीत ओगले भी बोलते हैं, अपना ओगला है सर। हाँ जी, हमारे पास ओगला फाफड़ा राजमा सब अपना। हाँ जी, गरम गरम पोयाशीत बोलते हैं मैम, ओगले के फ्राई करके बनाते हैं। बिल्कुल, ये फ्राई करके बन रहा है पोयाशी, कोयाशी विद ड्राई फ्रूट चटनी जलेबी, और ओगले के आटे का बनता है, स्वीट होगा। खैर वी आर ऑलरेडी फुल, और देखते हैं क्या है। बिलासपुर का धाम होती है बेसिकली, अपने राजमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। राजमा यहाँ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में राजा बनती है अपने अपने तरीके से, अपने स्टाइल से। तो ये है चंबा, चंबा कुजीन। नहीं थोड़ी जगह है चंबियाली धाम, प्योर वेजिटेरियन। अच्छा अब आ जाओ जी, अब लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में क्या स्पेशल है? चाय बटर मिल्क है, वी हैड बटर मिल्क ना, बटर मिल्क होता है ना। सिद्धू कल हमने यहीं से खाया था, सिद्धू हमने खाया था। कांगड़ा, कांगड़ा का क्या मतलब? ये क्या चीज़ है? ये लड्डू है। अच्छा अच्छा, पिन्नी की तरह है कुछ, तिल लड्डू है, रागी ड्राई फ्रूट देसी घी गुजरात चाय रखी, कोतरा चाय नमकीन चाय भी क्या है यहाँ, हर जगह बनता सिड्डू पता नहीं। हाँ यहाँ डिफरेंट है यार, मंडी हमेशा रोज भीड़ ही रहती है यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया खाना मिल रहा है लोकल्स को, अगर हर डिस्ट्रिक्ट का मिल जाए वेलकम हियर। शिमला का भी है, सिड्डू इज हॉट सेलिंग। हाँ क्या खाना है यहाँ पे आके? यहाँ आके सिड्डू जरूर ट्राई करेगा, स्वीट भी है सॉल्टी भी है, बट स्वीट वाला बहुत टेस्टी है, घी के साथ सर्व करते हैं, एंड इट इज रियली यम। चलो ठीक है जी, थैंक यू।
अगेन यहाँ का सनसेट भी बहुत ऑसम रहता है, भाई तो कलर्स कुछ पता नहीं लगेंगे। ठीक है बेटा, परेड आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है पहाड़ से बने हुए। पेड़ के नीचे है एक अंकल जो कि बहुत सालों से चने चूरन बेच रहे हैं। हम बहुत खाते थे इसे, होते थे तो बहुत किस्म की नमकीन का मिक्स बेचते हैं। चने भी है कितने? 30 चूरन भी है? चूरन है? वो कैसे है? 30 का चल। क्या बोला आपने? चना? अभी चना, हाँ चना, एक पकड़ो चना जी भाई, बस चलो चलो जी, होगी सक्सेसफुल चने चने शॉपिंग। अभी हम जा रहे हैं लखनऊ बाजार। लखनऊ बाजार मिलता है बहुत वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत फेमस है शिमला का, बहुत चीज़ें आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं एट अ गुड रीजनेबल रेट। ये रिज से कनेक्ट होता है लखनऊ बाजार, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। लेट्स सी क्या हम आते हैं। घोड़े से कुचले जाने से बचा तो यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे हॉर्सेस, जहाँ आप हॉर्स राइड ले सकते हैं अकेले या बच्चों के साथ, इसके साथ देने। ये शुरू हो गया लखनऊ बाजार। एक घोड़े भी रुकते नहीं है, वो घोड़े वाले नहीं रुकते रहा। ये शुरू हो गया है लकड़ बाजार का स्ट्रीट फूड। रोड साइड शॉपिंग स्टॉल्स फॉर किड्स, सम वुडन कैप्स, अगेन बहुत सारे खाने पीने का सामान। डायरेक्ट ये कितने का है? 120। और बड़ा वाला? बड़ा वाला 150। यह है बहुत फेमस सीताराम एंड सन्स, यहाँ मिलते हैं छोले पूरी जो कि सोल्ड आउट हो जाता है बहुत जल्दी, आफ्टरनून तक सोल्ड आउट हो जाता है। ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये लक्कड़ बाज़ार है, बहुत अच्छी आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से, कपड़े वुलन कैप्स ले सकते हैं, कोई लकड़ी का आइटम वुडन हैंडीक्राफ्ट ये सब ले सकते हैं। वन गुड बेकरी इन शिमला, मंकी ने क्लेम कर लिया है अपना अपना आइसक्रीम।